जिला कांगड़ा के अंतर्गत पड़ते राजा का तालाब में खुला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मात्र एक सराय में चल रहा है, जिसमें केवल 2 कमरे हैं। पर्याप्त भवन के अभाव में लोगों को अस्पताल का पूरा लाभ नहीं मिल रहा, जबकि विभागीय नियमों के अनुसार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 5 कमरे होने चाहिए और इसके साथ अस्पताल में अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। 14 जनवरी 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस अस्पताल का उद्घाटन किया था। यहां के स्थानीय निवासी गिरधारी लाल ने इस अस्पताल के भवन के लिए लाखों रुपये की एक कनाल भूमि दान की थी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भवन निर्माण का कार्य अभी तक आरंभ न होने के कारण गिरधारी लाल व इलाकावासी मायूस हैं। उनका कहना है कि उनकी इच्छा थी कि जल्द भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एक सराय में चलने वाले अस्पताल को नए भवन में शिफ्ट किया जाता, ताकि जनता को अच्छे भवन में स्वास्थ्य लाभ मिलता, लेकिन अभी तक इस भवन का निर्माण कार्य ही आरंभ नहीं हो पाया है। इलाके के लोगों को इस अस्पताल के भवन निर्माण के लिए अब प्रदेश की नई भाजपा सरकार से उम्मीद है। अब देखना है कि नई सरकार इस अस्पताल के भवन का निर्माण कब शुरू करवाती है। ज्वाली से दौलत चौहान की रिपोर्ट।